टाइम पे सिर्फ एक ही गाना जहन में चल रहा है, कहती होंदी सी चन तकरा बना दे तारे ने पसंद मेनू हेठा सारे ला दे उन्हें तारियां दे विच जदों मेनू वेखेंगी मेरी याद जदों आऊगी ता पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लौन वाली है दिल ते आ जदों टुटूगा ता पता लगूगा। मुझे ना यकीन नहीं आ रहा कि लाइनें मैंने खुद लगाया। नाइस राबिया। अच्छा तो गाइस मैंने आपको बोला था ना मैं अपना मैजिकल मोमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। हम लोग ना लाहौर से कराची जा रहे थे बोर्डिंग पास के टाइम, ब्रांड एम्बेसडर को जब मैंने अपना आईडी कार्ड दिया ना तो उसने बोला अपना मास्क रिमूव करो कि आर यू फातिमा फैसल, आई सेड यस। अच्छा लगा आपको देख कर ना ये वो। तो कहती आपको पता है आप बहुत लेट हो, आपको बहुत लास्ट पर सीट मिलेगी। हम लोग पता है बहुत लेट है। कहती चलो मैं आपको फ्रंट की सीट दे देती हूँ। वाह यार इतनी लेट आ गए फ्रंट की सीट, तो इट वॉज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। सो जो वीडियो मुझे आज अपलोड करनी थी यूट्यूब पे वो वीडियो मैं कल अपलोड कर रही थी क्योंकि अभी मैं एडिट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों ना जो हम प्लान सोचते हैं उससे एक दिन पीछे चलते हैं। आज मुझे छुट्टी की वजह से या मेन रीजन इज सर्दियाँ। मुझे दिखाओ इसकी प्रोफाइल कितनी क्यूट है ये। विटो की सारी प्रोफाइल दिखाओ ना यार मुझे, ये वाली नहीं ये। चलो लाइक्स पे मसला आ रहा है, इंस्टाग्राम सबको दे रहा है। ये हर किसी के साथ ही होता है, मतलब जब हम घर पर रहते हैं और हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं ना होती करने को जिससे हम बिजी रहें सारा दिन, तो हम क्या करते हैं बस मोबाइल पकड़ कर बेड पर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्नैपचैट यूट्यूब ये सब यूज करते रहो और ओवरथिंक करते रहो, ठीक है। और फिर हमें पता भी नहीं चलता, हम अपने खाने में भी नहीं इतना ध्यान देते। जब मोबाइल छोड़ के ऐसे उठते हैं आंखों के चक्कर आ रहे होते हैं ना, तो फिर वो तो खाना ही नहीं खाया ठीक से, ये सिचुएशन बहुत अनोइंग होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अपने दिन को ना बिजी रखना चाहिए ताकि इस सिचुएशन से तो गुजरना ही ना।